नमस्कार, आप देख रहे हैं वो सो पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को लिया 1 दिन की पुलिस रिमांड पर। आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद मुंह और गला दबाकर कर दी थी बच्ची की हत्या। 3 साल पहले अमर भवन चौक के पास स्थित एक धार्मिक स्थल के शौचालय में 6 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पानीपत कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, साथ ही लगाया गया 55,000 रुपए का जुर्माना भी। सर्कस ग्राउंड के पास ड्रेन नंबर 1 से 12 साल के बालक का मिला गली सड़ी अवस्था में शव, अभी तक बच्चे की नहीं हो पाई शिनाख्त। पानीपत से शामली जा रही हरियाणा रोडवेज बस की सनोली यमुना पुल के पास जीएम ने की चेकिंग तो परिचालक ने पी रखी थी शराब, जीएम ने एक्शन लेते हुए परिचालक को किया सस्पेंड। छाजपुर कला चौक के पास चौटाला रोड स्थित एक फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थिति में लटका मिला व्यक्ति का शव, परिजनों ने फैक्ट्री मालिक पर लगाया हत्या का आरोप। 4 साल पहले 5वीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को सुनाई गई 20 साल की सजा, मॉडल टाउन क्षेत्र की है घटना। पानीपत जिले में 29 लोगों ने हराया कोरोना को, साथ ही मिले कोरोना के 8 नए पॉजिटिव केस। बाइक सवार 3 बदमाशों ने असंद रोड पर अनेजा पेट्रोल पंप के पास से एक्टिवा सवार NRI की पत्नी का छीन लिया पर्स, पुलिस ने किया मामला दर्ज। 5 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर जीटी रोड पर जोमैटो कंपनी की डिलीवरी बॉय पर हमला कर छीनी बाइक और नकदी, पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ नमस्कार।